स्वागत है जो लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कृपया ये भी बताएं कि आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। शुक्रिया राजेश सरस्वत जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आइए तो हम शुरुआत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया राजेश सरस्वत जी। जी शुक्रिया ललित जी, नमस्कार। मैं आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। अमर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी तो मुझे दीपक जी नज़र आ रहे हैं, स्वागत आपका भी। उमा मैडम बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाई विनोद भावुक जी नमस्कार। अमर जी नमस्कार। दीपक भाई स्वागत। सुदर्शन सर को आप बहुत बहुत नमस्कार। तो मुझे लगता है मुझे शुरू कर देना चाहिए। जी भाई वीरेंद्र जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो कुछ जानता हूं। भाई वीरेंद्र वीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार भाई। मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ साझा करूं। जी आरती मैम शुक्रिया, आपको भी नमस्कार। मुझे भानु सर दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नमस्कार करता हूं। और मैं आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूं। भाई मुनीश तन्हा जी आपको भी नमस्कार है, आपका बहुत बहुत स्वागत सभी का। और मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है वहीं से शुरू करूंगा। कवि राम भगत नेगी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। रविंद्र कुमार शर्मा जी नमस्कार। आप सभी जुड़ते जाएं तो हम बातचीत को शुरू करें। जी जी मैं शुरुआत करता हूं, बस ये नेट ठीक से रहे और लाइट का प्रबंध सही रहे, बीच में लाइट ना जाए तो हम बातचीत करते रहेंगे। आदरणीय हंसराज भारती जी आपको नमस्कार है। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। मदन हिमाचली जी बहुत नमस्कार आपको। भाई वीरेंद्र जी वीर जी कह रहे हैं कि दोहे से शुरुआत की जाए, मैं उसी पे आऊँगा। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातचीत छंदस विधाओं से मैं करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं कि आज की जो विधा है काव्य की वो छंद मुक्त है या मुक्त छंद है, उसी की परंपरा है। लेकिन संगीता जी स्वागत आपका, सुरेश भारद्वाज जी बहुत स्वागत, सरोज परमार मैम नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बात कर रहा था कि आज जो हमारा जी दीपक भाई मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। जी शुक्रिया भाई हितेंद्र शर्मा जी आपका शुक्रिया, आपका सहयोग बराबर बना रहा। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ
कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला का डॉक्टर करम सिंह जी जो सचिव हैं उनका, कि वो बड़े सक्रियता से इस लॉकडाउन के बीच में भी उन्होंने बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिया कि भी जरा भी कहीं हमारी जो गतिविधियां हैं साहित्यिक गतिविधियां वहां पे कोई कमी महसूस नहीं हुई, लगातार ये गतिविधियां बनी हुई हैं। तो हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके इन प्रयासों की सराहना करते हैं। जी मैम डॉक्टर लाल चंद जी नमस्कार जी, शुक्रिया भाई। राजीव कुमार जी शुक्रिया, इंदु मैडम नमस्कार, आज की कविता मुफ्त छंद हो सकती है, छंद मुक्त नहीं ऐसा मुझे लगता है। जी भाई बिल्कुल, आप अपने हिसाब से आप भी सही कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हम विधा का चुनाव जो करते हैं, कविता में ही जो उपविधाएं हैं उनमें जो हम चुनाव करते हैं कि हम छंद में लिखें या मुक्त छंद लिखें, ये किसी भी कवि का अपना निर्णय होना चाहिए। और अपना निर्णय होता है, जो उसे अच्छा लगता है वो उसी में लिखता है और लिखना चाहिए, बशर्ते कि वो जो समकालीन हमारे विषय हैं, समकालीन हमारी समस्याएं हैं, उनको वो बड़े अच्छे ढंग से उसमें उठा पाए। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, मैं आप लोगों का कोई वो नहीं करता, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि अगर हम अपने अनुसार चलेंगे, हमें जो पसंद है हम अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो बहुत अच्छा होगा और हम उसमें अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चों को के ऊपर हमने कोई चीज़ थोपनी नहीं है, हमने उसको खुद करने देना है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों का विकास अपने आप हो। तो इसी तरह से एक कवि भी बच्चा ही है, जब वो शुरुआत करता है तो एक बच्चे की तरह शुरुआत करता है, तो जो उसे उस टाइम अच्छा लगता है, पसंद है उसे, उस तरह से उसे शुरुआत करने दीजिए और वो धीरे धीरे उन चीज़ों को जो हमारी समकालीनता है उससे भी वो जुड़ पाएगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी अपना अपना विषय है। अब जैसे मैं बात कर रहा था छंद की, अब छंद में हम जो आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि छंद पे बात हो रही है और छंद तो बहुत कम लिखा जाता है या पसंद किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि आज की डेट में गज़ल सबसे अधिक पसंद की जा रही है। गज़ल ऐसी विधा है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, और मुझे खुशी है कि गज़ल सबसे अधिक लिखी जा रही है आज की डेट में। हैरानी की बात है, गज़ल को बहुत लिखा जा रहा है। अब गज़ल क्या है? गज़ल को हम उर्दू में जब कहते हैं तो बहर कह देते हैं कि गज़ल बहर में होनी चाहिए, मापनी में होनी चाहिए, या उसको मीटर में कह देते हैं। अब गज़ल को और छंद को मैं इसकी सम्यता बता रहा हूँ आपको। आप सभी का स्वागत जो आ रहे हैं, मैं शुक्रिया दिलीप भाई, हम बीच में बात करते रहेंगे बीच में, और मैं अपनी बात भी जारी रखूँगा। आप सभी का स्वागत जो आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गज़ल जो विधा है वो उर्दू से आई है, बेशक उर्दू से आजकल हमारी जो परंपरा में है वो जहाँ से भी आई है उसका इतिहास पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उसे हम जब उधर ले जाते हैं, बहर की तरफ ले जाते हैं, तो उर्दू में बहर कहा जाता है, लेकिन हिंदी में वही छंद है, हिंदी में उसे ही छंद कहा जाता है। मीटर में अगर वो आ जाता है तो हिंदी में वो छंद है, उर्दू में उसे हम बहर कह देते हैं, इतना ही अंतर है। और बहुत सारी हमारी उर्दू की बहुत सारी बहरें हिंदी की बहरों से बिल्कुल समान रूप से चलती हैं, हिंदी की बहरों में, हिंदी के जो छंद हैं उनमें समान रूप से चलती हैं, बिल्कुल एकदम समान रूप से चल रही हैं। और मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा, मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ, बहरे हजरत मुसम्मन सालिम सबसे ज़्यादा मकबूल बहर है, बहरे हजरत मुसम्मन सालिम, जिसमें बहुत ज़्यादा गज़लें तो लिखी ही गई हैं। साथ ही आप हिंदी की तरफ आ जाओ तो हमारे मैक्सिमम गीत, मैं कहता हूँ कि 85% गीत जो हैं वो इसी बहर में हैं, लेकिन इसे वहाँ पर क्या कहा जाता है,
विधाता छंद। रुक्न वही हैं, वही 28 मात्राएं हैं, वही मुफाइलुन मुफाइलुन चार बार कर दो तो बहरे हजज मुसम्मन सालिम हो जाती है, और उधर से 28 मात्राओं में यही बहर अगर हम उधर मान लें विधाता छंद में आ जाती है, वही 28 मात्राएं हैं, वही तरन्नुम है। आप अलग अलग गा करके देख लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। मेरा एक मुक्तक है कि नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, पकड़ दो हाथ से अपनी ही धारा को बदल बैठी, इधर बैठी उधर बैठी अचल बैठी उछल बैठी, संभल नहीं पा रही जब से मुहब्बत में फिसल बैठी, संभल नहीं पा रही जब से मुहब्बत में फिसल बैठी। ये मुक्तक है बहरे हजज मुसम्मन सालिम में। अब आप इसी मुक्तक को यही अगर हिंदी में बात करें तो ये विधाता छंद में है, विधाता छंद में है, और विधाता छंद में हमारे बहुत सारे गीत हैं। देखिए इसी मुक्तक को मैं की एक एक पंक्ति में अलग अलग आपको सुनाता हूँ कि नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, ये उसके हिसाब से देख लीजिए जो हम जिसको हम कुमार विश्वास का तरन्नुम कह देते हैं, लेकिन ये अपना अपना हिसाब है, अपने अपने हिसाब से सभी अलग अलग गाते हैं। कुमार विश्वास जी का किसी बहर के ऊपर कोई विशेष अधिकार किसी का भी नहीं होता है, उनका भी नहीं है, उन्होंने तरन्नुम अलग अलग लिया या कहीं से उठाया है वो अलग बात है। लेकिन अब इसी को आप देखिए कि नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, पकड़ दो हाथ से अपनी की धारा को बदल बैठी। और साथ में आप देखिए कि एक तरन्नुम और देखिए इसी का जो हमारे गीतों में आता है, ये जो मैंने तरन्नुम अभी आपके सामने पेश किया है इसी बहरे हजरत मुसम्मन सालिम का, यही हमारे दूसरे गीतों में आता है। अब आप देखिए न झटको जुल्फ से पानी, ये जो मैंने अभी आपको सुनाया ये गीत है और ये इसी विधाता छंद में ये गीत है। अब आप देखिए एक हम जब हम पाठशालाओं में जो टीचर लोग हैं वो आज भी जानते हैं और बाकी लोग भी सभी स्कूलों में पढ़े हैं पाठशालाओं में गए हैं तो आप सभी ने ये प्रेयर गाई हैं। आप देखिए कि शरण अपनी में रख लीजिए दया में दास हूँ तेरा, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी। यही बहर है और यही हमारा जो आपका प्रेयर है जो हम पाठशालाओं में गा रहे हैं, सुबह हमारे बच्चे गा रहे हैं, ये हमारे अंदर बैठी हुई हैं ये सारी बहरें। ये मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो नए लोग हैं जो गज़ल में आना चाहते हैं या गज़ल में जो प्रयास कर रहे हैं वो इस तरन्नुम के माध्यम से गज़ल की तरफ आ सकते हैं बड़े आराम से। हमारे अंदर ये हमारे जहन में है, मेरे भी ये पहले से अंदर था लेकिन जब सीखने लगा तो थोड़ी सी कोशिश की कि इधर उधर भी देखा जाए कि बहरे हजरत मुसम्मन सालिम कहाँ कहाँ है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की और मुझे मिल गया, बहुत सारे गीत हैं। एक और देखिए, एक हम आप लोग देख जानते होंगे ये एक वो गाया जाता है गज़ल भी गाई जाती है और एक जल्दी जल्दी में जिसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम का लेकिन आप समझ जाएंगे जब मैं गाऊंगा अभी। नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी धारा को बदल बैठी, ये देखिए बस यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि बहरे हजरत मुसम्मन सालिम और विधाता छंद एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग आ गए हैं, चीज एक ही है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास एक बहुत ही मतलब हमारे जहन में जो बैठा हुआ है एक छंद है चौपाई छंद, आप सभी जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा गाता है चौपाई छंद, रामचरितमानस नहीं गाते हैं तो
आप लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, उस वो छंद भी चौपाई छंद भी उर्दू में एक बराबर का एक छंद बन जाता है जहाँ पर हम गज़ल लिख सकते हैं। इसके ऊपर अलग से हम अलग बात कर सकते हैं क्योंकि एक एक बहर के ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे छंद हैं जिसमें हम अलग अलग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी आप लोगों को एक टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा मैं बीच बीच में मैं चाहूँगा कि मैं दोहे आपके सामने पेश कर दूँ। दोहे छंद के ऊपर हम दोहा छंद के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैंने अभी जो दो तीन दिन पहले कुछ दोहे हुए हैं उनको मैं थोड़ा आपके आपको के सामने प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। हम उसके बाद छंद के ऊपर बात भी जारी रखेंगे और बीच बीच में हम इस पर भी बीच बीच में रचनाओं पे भी थोड़ी बात किया करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रचना सुनना चाहते हैं, कुछ लोग बातचीत भी सुनना चाहते हैं, तो आप सभी लोग आनंद लें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हमारे जो खेतों में नई नई मशीनें आ गई हैं, चाहे वो ट्रिलर है चाहे अपने ट्रैक्टर है, उनसे बुआई की जा रही है, गहाई की जा रही है, सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ है? हमारे जो बैल हैं उनको हमने जंगल से, अब जैसे हम सुनते हैं कि पहले जंगल में ये गायें पशु जो थे वो जंगल से आए थे, लेकिन आज हमने दोबारा उनको जंगल में छोड़ दिया है। ये बहुत बुरी बात है, ये मुझे बहुत कचोटता है, ये चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं। और इसी पे दो तीन दिन पहले कुछ दोहे हुए, मैं आपके सामने दोहे रख रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कि कलयुग में कल बैल की, कलयुग में कल बैल की पड़ी पीठ पेट पर मार, कलयुग में कल बैल की पड़ी पेट पर मार, हीरा मोती घूमते सड़कों पर बेकार, हीरा मोती घूमते सड़कों पर बेकार। हमारे जो मुंशी प्रेमचंद, आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के जो हीरा मोती हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं बेकार, वो एक एक प्रतीक लिया है। और दूसरा दोहा देखें कि दो आंसू में बह गए, दो आंसू में बह गए बैलों के अरमान, भूस खली अब कौन दे कहाँ खेत में धान, भूस खली अब कौन दे कहाँ खेत में धान। और अगला दोहा देखें कि खाकर डंडे पीठ पर, खाकर डंडे पीठ पर भरते दर दर पेट, कहीं बाघ ने कर लिया बैलों का आखेट, कहीं बाघ ने कर लिया बैलों का आखेट। बहुत शुक्रिया नरेश भाई, प्रताप जरियाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ दोहे और देख लें जो ताज़ा हैं, उसके बाद फिर थोड़ी और बातचीत करते हैं आगे। कि जब तक पालक थे तभी, जब तक पालक थे तभी तक थे इनके बॉस, आज न पालक है कहीं और ना कांजी होस। आपने नाम भी नहीं सुना होगा आज की डेट में। जो नए लोग हैं मुझे पूछने लगा, जब मैंने ये दोहा डाला तो लोग पूछने लगे सर ये कांजी होस क्या होता है। है भी सही बात है, जब आज हमारे प्रचलन में है ही नहीं। अब देखिए आप, जब तक हम बैल पालते थे या गायें पालते थे तब तक हमारे जो लोग थे, हमारी जो सरकार थी वो फाटक रखती थी, कांजी होस उसे कहते हैं, फाटक बनाए होते थे। लेकिन आज फाटक है ही नहीं कहीं, क्योंकि आज पता है कि अगर फाटक बनाए तो जितने पशु बाहर हैं उनको हम अंदर तो कर देंगे लेकिन लेने कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हालत ये है। इसलिए यहीं पर यह तंज हुआ है ये दोहा कि जब तक पालक थे तभी तक थे इनके बॉस, तभी तक थे इनके बॉस, आज ना पालक है कहीं और ना ही कांजी होस।
अब नापालक हैं और नाकांजी होश हैं कहीं भी। और इसका अंतिम दोहा देखिए बैल के ऊपर ही कि उम्र गवाई खेत में, इसे आप प्रतीक के रूप में भी ले सकते हैं। हमारे समाज में जो हो रहा है वहीं पे इसको बैल का प्रतीक आप देख सकते हैं कि उम्र गवाई खेत में फिर भी रहे रखेल, गायें थी तो जिम गई कौन जमाता बैल, गाये थी तो जिम गई कौन जमाता बैल। ये हकीकत है आज की हमारे समाज की। अब मैं थोड़ी बात, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। जी बिल्कुल अशोक कालिया जी, उर्दू शायरी में हाथ आजमाने वाले नौजवानों के लिए अच्छी और लाजमी जानकारी, बहुत शुक्रिया सर। ये आप बड़ों का आशीष है, हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो गज़ल है वो खूब फैले फले फूले और हमारे आसपास में बहुत सारे गज़ल पढ़ने वाले गज़ल लिखने वाले हों। और मुझे बहुत खुशी होती है, किरण मैम, किरण गुलेरिया जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज की डेट में, जब 4-5 साल पहले मैंने शुरुआत की थी लिखने की, कोशिश की थी कि मैं भी बहर में लिखूं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो मित्र नेट पर थे। नमस्कार अर्पणा जी, अर्पण जी जमुआल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा था कि जब मैं बहर सीख रहा था, कोशिश कर रहा था, अभी भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी उस समय मैं कुछ लिख नहीं पाता था और ये दुख होता था कि इस बहर को हम कैसे सीखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने जितने भी हमारे जो लोग थे नेट पर, जो मित्र थे, जो जानकार थे, जो वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों से जब बात की तो आप यकीन मानिए उन लोगों ने ये कहा कि बहर सीखने के लिए तो उम्र लग जाती है लेकिन आदमी सीख नहीं पाता। हो सकता है उम्र लग जाती होगी, सभी बहरें नहीं सीखी जा सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुभव है, मेरा मैं इस बात में मुझे कोई कहने में झिझक नहीं है कि मेरा कोई गुरु नहीं है गज़ल में या कविता में, मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, कविता की मैं अगर बात करूँ, कविता में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जिसमें भाई गणेश गनी जी भी एक हैं, जिन्होंने मुझे शुरुआत में कहा कि कविता को पढ़िए और तब आप अच्छी कविता लिख पाएंगे, जब मेरे शुरुआत में मेरी पुस्तक आई थी। लेकिन जहाँ तक मैं गज़ल की बात करता हूँ, गज़ल में मुझे लोगों ने यही कहा, दूर दूर तक मैंने संपर्क किए लोगों से, क्योंकि मुझे एक जुनून सा हो गया था कि मुझे गज़ल बहर सीखनी है, बहर के बिना गज़ल नहीं होती, क्योंकि मैंने सुना था और बाद में ये अनुभव भी किया कि बहर के गज़ल के लिए पहले शेर होना चाहिए और शेर या तो होता है या होता ही नहीं। कविता अच्छी या बुरी हो सकती है लेकिन शेर या तो होता है या होता ही नहीं। यानी कि जब तक आपका शेर बहर में नहीं है, मीटर में नहीं है, तब तक मापरी में नहीं है, तब तक वो शेर नहीं होता है। अब जब शेर नहीं होगा तो गज़ल कैसे होगी, इसलिए पहले शेर लिखना सीखना था। अब जब मैं प्रयास किया, मैंने तो मुझे यही कहा सभी ने, हालांकि मैंने कभी किसी को गुरु मान नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन कभी मन ही नहीं हुआ और किसी ने ऐसा बताया भी नहीं। मेरा गुरु अगर कोई है तो नेट, इंटरनेट से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और बहुत सारी किताबें पढ़ी, वहाँ पे जो छोटी छोटी जो बातें थी जो बहर में आने के लिए ज़रूरी थी वो सीखी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा लिखने लग पड़ा, ये नहीं होता कि हम सभी बहरों में लिखने लग जाएं। एक बहर को आप, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, जो नए लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जब आप शुरुआत करते हैं तो एक बहर से शुरू कीजिए, एक बहर के ऊपर आपकी कमांड हो जानी चाहिए। जब आपकी एक बहर पर कमांड है, आप दूसरों को सुनकर बता पाएं कि ये जो ये गज़ल है या जो शेर है ये इस बहर में है, अगर आप सुन करके ये आइडिया लगा सकते हैं तो आपका अभ्यास पक्का हो गया है। ये रियाज है, जैसे संगीत का रियाज होता है उसी तरह से बहर का भी रियाज है।
और मुझे याद आता है आदरणीय हमारे शायर, हमारे नज़दीक के जो शायर हैं नासिर यूसुफ जई साहब, वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो गज़ल है ये ऐसी विधा है जो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ सकती है। मैं मानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन अगर आज की डेट में जिस तरह से हमारे पास नेट पर सुविधाएं आई है, जिस तरह से हम यहाँ पर वीडियोस ऑडियोज सुन सकते हैं और यहाँ पे बहरों के बारे में सारा कुछ जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से बड़ा आसान है। और जब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अगर हम उधर से कोशिश करें, मुझे मेरा ये पक्का अनुभव है, मैं कह सकता हूँ कि जो भी बुज़ुर्ग लोग जो पहले जो पुराने शायर हैं उनका सीखना भी शायद इसी तरह से हुआ है, मुझे यकीन है इसी तरह से सीखना हुआ है कि वो एक तरन्नुम को जो हमारे अंदर पहले ही बैठा हुआ है उसी तरन्नुम पे अपने अल्फाज अपने भाव को बिठाने का प्रयास करते हैं और उसी के माध्यम से वो बड़े आराम से बहर में चले जाते हैं, बहर में आ जाते हैं। अब वो गज़ल लिख लेते हैं और गज़ल लिख लेते हैं उसके बाद वो बड़े आराम से दूसरी गज़ल की तरफ जा सकते हैं। जब एक गज़ल पे हमारा अभ्यास अच्छा हो जाता है तो बड़े आराम से हम दूसरी गज़ल को या दूसरी छंद की तरफ जा सकते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहरे हजरत मुसम्मन सालिम से शुरू किया, वहीं से विधाता छंद और फिर बाकी जो दूसरे जो छंद हैं जो दूसरी बहरे रमल मुसम्मन महजूब है या बाकी जो जो जितनी भी बहरें, पाँच सात बहरों में मैं बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पाँच सात बहरों में मैंने जो गज़लें लिखी हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत गज़लें लिखी हैं, उन गज़लों की उन बहरों की तरफ मैं यहीं से गया, क्योंकि यहाँ से जब आप एक जगह अभ्यास अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको जाना आसान हो जाता है। भाई नवनीत शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार, आप आए बहुत अच्छा लगा, आपका स्नेह आशीष मिला, बहुत शुक्रिया भाई जी। तो मैं यही बात कर रहा था कि हमारे लिए आसान हो जाता है, और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं कई बार ऐसा लगता है कि जो नए लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्या ज़रूरी है बहर सीखने की, क्या ज़रूरत है, या क्या ज़रूरत है, मैं तख्ती करनी आती ही हो, लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब हम लिख लेंगे तो अगर हमारा मान लो गुरु भी कोई है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी का भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई है आप उनको गुरु कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि गुरु का भी अपना एक टाइम टेबल होता है, उनके पास भी एक अपना शेड्यूल होता है, बिजी होते हैं। तो अगर हम खुद तख्ती करना सीख लें तो जब हम कभी अपनी पुस्तक निकालते हैं, अपना दीवान निकालते हैं, तो कम से कम हमें वैसे तो हमें साथ साथ तख्ती करके देख लेनी चाहिए जब शुरुआत हो रही है। जब हम अच्छी तरह से उसमें परफेक्ट हो गए हैं या हमें अभ्यास हो गया है, और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि जब हम ये कहने के काबिल हो जाएं कि भाई जो सामने वाला जो कह रहा है वो गज़ल इस बहर में है या वो शेर इस बहर में है, इस छंद में है, जब हम ये कहने के काबिल हो जाएं, लायक हो जाएं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ये करने की कि हम तख्ती करें। हाँ, जब हम कोई नई बहर में काम करेंगे, अगर हम कोई नई बहर सीख रहे हैं उसके बाद भी नई बहर में, क्योंकि इंटरेस्ट होता है बार बार, जब हम लिखते हैं एक बहर में कुछ गज़लें लिखने के बाद हमारा शौक़ होता है कि दूसरी बहर की तरफ भी जाएं। तो जब हम दूसरी बहर की तरफ पढ़ते हैं तो नई बहर में काम करने के लिए हमें थोड़ा सा कई बार लगता है कि हमारा जो तरन्नुम है उसके हिसाब से तो सही बैठ गया है, हमारे जो हमने रुकन सही उठाए हैं, लेकिन हो सकता है कहीं गलत तो नहीं है। जी बीच में एक कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो गई। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम दूसरी बहर की तरफ जाते हैं तो उस समय हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उस नई बहर की तख्ती करके देखें। अब हमें बहर तो मिल जाएगी, नेट पर भी मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें तख्ती करनी ही नहीं आती होगी तो हम कैसे उसको दुरुस्त कर पाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमें एक बहर की तख्ती खुद करनी आती हो।
तो हमें कम से कम जब हम लिखना सीख रहे हैं तो एक बहर के ऊपर खूब अभ्यास कीजिए, उसकी तख्ती करना खुद सीखिए, बाकी ऐब्स रह जाती हैं, बहुत सारी ऐबें रह जाती हैं उसके बाद भी, तो उसके लिए हमें पढ़ना भी होता है। हम मिलते हैं मित्रों से जब बातचीत करते हैं, वहाँ पर भी हम ये बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बातचीत होती है, बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं या जो हमारे से पहले के शायर हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा अनुभव, उनका जो अनुभव है उसका लाभ उठाने का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तख्ती करनी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसा करें, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है और ऐसा मानना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात अलग कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर बात हो गई है, मैं थोड़ी सी दिगर छंद की बात करता हूँ। अब दूसरा हमारा जो छंद मेरा मेरे लिए खास करके मेरे लिए जो प्रिय छंद है वो दोहा छंद ही है, और दोहा छंद आप जानते हैं कि 11-13 मात्राओं का छंद है, दो पद होते हैं सारे, लेकिन एक सिर्फ दो पदों में ही हम पूरी मुकम्मल कविता कह देते हैं। जैसे हमारा जो शेर होता है, शेर में एक मुकम्मल कविता होती है, और ये आप सभी जानते हैं, आदरणीय जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं ये सभी जानते हैं, नए लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि एक गज़ल के अंदर कई सारी कविताएं होती है, क्योंकि उसकी जो एक सिर्फ एक जो शेर है, एक ही शेर आपका मुकम्मल कविता होती है, पूर्ण कविता होती है। जी भाई नवनीत जी, आपका शुक्रिया। मैं बिल्कुल थोड़ी सी बस एक थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात पर आता हूँ, मैं गज़ल सुनाऊँ। मैं दोहे की बात कर रहा था, लेकिन दोहे में भी ऐसे ही रियाज आपको करना होता है, ऐसे ही दोहे छंद में ऐसे ही प्रयास करना होता है। इसी तरह से मैं एक भाई जी ने कहा है, आदरणीय भाई नवनीत शर्मा जी ने कहा है, आदेश दिया है कि एक दोहा या गज़ल हो जाए, मैं गज़ल भी सुनाऊंगा, लेकिन आपने मुझे कह ही दिया कि जैसे मैं दोहे पे बात कर रहा था तो मैं दोहा ही एक दो दोहा आपको सुना देता हूँ, एकदम बिल्कुल समकालीन दोहा आपके सामने रख रहा हूँ, स्वीकार करें। कि कटे फटे कपड़े बने, कटे फटे कपड़े बने, खानदान पहचान आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान, आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान। और इसके साथ ही माँ पर दो तीन दोहे मैं आपको समर्पित करता हूँ, आदरणीय भाई नवनीत शर्मा जी समाप्त फरमाएं। कि अम्मा जल्दी उठ गई, अम्मा जल्दी उठ गई, आंगन रही बुहार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार। बहुत शुक्रिया। और ये समकालीन दोहा देखिए, कि सूरज खिड़की पर खड़ा, हमारे जो बच्चे हैं आजकल उठने में बहुत देर कर देते हैं सुबह, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से यहाँ ये दोहा हुआ है। देखिए, कि सूरज खिड़की पर खड़ा, जी शुक्रिया भाई, सूरज खिड़की पर खड़ा चमक रहा है भाल, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे लाल। और एक बहुत कोमल ख्याल देखिए, आदरणीय भाई नवनीत शर्मा जी, कि मोटे चावल में मिला, मोटे चावल में मिला दिया जरा सा नीर, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर। और एक दोहा आजकल के मौसम पे
देख लीजिए, इससे पहले एक दोहा, उसके बाद एक शेर भी आपके सामने पेश करूंगा। दोहा देखें, किलो बादल ने खोल दी, लो बादल ने खोल दी, फिर गठरी की गीठ कीचड़ हो गई, पगडंडी की पीठ कीचड़ हो गई, पगडंडी की पीठ। बहुत शुक्रिया जरियाल साहब, बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीष है, आप बड़ों का स्नेह आशीष ही है जो कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे लिखने के लिए मजबूर करता है। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और अब मैं थोड़ी सी बात इसी पे और आगे कर लेता हूँ, दीगर छंद पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बात कर रहा था कि मेरा दूसरा जो प्रिय छंद है, मतलब गज़ल के बाद जो मैं हिंदी छंद की बात करता हूँ, तो वहाँ मेरा दोहा है। और गज़ल तो सबसे ज़्यादा लिखी जा रही है, देश में भी और प्रदेश में भी बहुत लिखी जा रही है। और मुझे, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि आज की डेट में जो नए युवा लोग हैं जो गज़ल की तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द गज़ल की बहर को पकड़ रहे हैं। हैरानी की बात है, बहुत जल्द। ये जुनून है, ये उन लोगों का जुनून है, और ये बहुत खुशी की बात है गज़ल के लिए। गज़ल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, हिमाचल में भी और बाहर भी तो है ही है। अब मैं इससे बात दोहे के बाद बात करता हूँ कि हमारे प्रदेश में दोहा की, अगर मैं थोड़ी सी साथ साथ में ये भी बात करता चलूँ, आदरणीय रमेश मस्ताना जी को मैं देख पा रहा हूँ कि वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैंने, इन्होंने पीछे से एक किसी का दोहा संग्रह, मुझे याद नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये मेरी कमी है कि मैं उस दोहा संग्रह तक नहीं पहुँच पाया, मेरी अप्रोच नहीं हो पाई। मैंने आदरणीय जी ने जब ये पोस्ट पे डाला था कि उनका दोहा संग्रह निकला है, तो मैंने इनसे आग्रह भी किया था कि कृपया मुझे कुछ दोहे तो आप ज़रूर भेजिए। और शायद मैं भी थोड़ा सा बिजी रहा और ये किसी कारण शायद ये मुझे नहीं भेज पाए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी दोहा संग्रह खास करके हिमाचल में निकले हैं, बाहर के तो मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन दोहा संग्रह हिमाचल में भी जो भी आए हैं जी, शुक्रिया रमेश मस्ताना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सभी का स्नेह और आशीष है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी दोहा संग्रह आए हैं, कम से कम मैं उनको पढ़ूँ। मैं खरीद के पढ़ूँगा, मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम ये पता चले। शायद मैं उनसे फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ, नहीं हूँ, या कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो मेरी नज़र में नहीं आए कम से कहीं पर। हाँ, मैंने एक दो किसी की समीक्षा ज़रूर पढ़ी थी। शक्ति राणा जी नमस्कार, आपका भी अभिनंदन है, आपको प्रणाम। मैंने कहीं समीक्षा पढ़ी थी किसी के दोहा संग्रह की, लेकिन मैं यहाँ ये बात बीच में करना ज़रूर चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा जो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोग इससे सहमत हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि दोहा जब लिखा जा रहा है तो हम उस तरफ ना जाएं कबीर की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कबीर के भाव थे या जो कबीर ने लिखा है वो आप ना लिखें, आप लिखें बाकायदा से, वो तो हमने लिखना ही है। जो कबीर ने जो अपने टाइम में समकालीन समस्याएं उठाई हैं वो तो हमें उठानी ही हैं, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। भाषा में मुझे थोड़ा सा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि कई बार कुछ लोग लिख देते हैं कि दोहे में जो समांत जब वो मिलाते हैं तो आत है, जात प्रवात, इस तरह से, मतलब इस तरह से जो समांत मिलाए जा रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हमारे पास हिंदी है, आज की डेट में हमारे पास हिंदी है, ठीक है। आप कबीर को पढ़ा है आपने, आपने रहीम को पढ़ा है, आपने सूर को पढ़ा है, जिनको भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए ना कि उन लोगों की भाषा क्या थी। उन लोगों की जो भाषा थी, कबीर ने जब दोहे लिखे उस समय उनकी भाषा सुधुकड़ी थी, जो 12 से अधिक भाषाओं का मिश्रण था। वहाँ पे एक उनकी एक जिसको बोलते हैं मानक भाषा नहीं थी वो। हमारे पास तो मानक हिंदी है, हमारे पास साथ में जी, शुक्रिया मस्ताना जी, मैं आपसे बात करेंगे बाद में।
मैं बात कर रहा था कि हमारे पास आज की डेट में हिंदी है, हमारे पास पहाड़ी है, हम अलग अलग पहाड़ी में भी हम जो हमारी हिमाचल की भाषाएं हैं, सिरमौरी है, हमारी कांगड़ी है, मंडियाली है, डोगरी है, अलग अलग जहाँ जहाँ भी हम लिखना चाह रहे हैं, हमारा जो ज़्यादातर जो कांगड़ा का जो ऊपर का एरिया है वहाँ का टच डोगरी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, हम जो लिखना चाह रहे हैं वो हम उन भाषाओं में लिख सकते हैं, वहाँ हम भाषा का ऐसा प्रयोग करें, लेकिन जब कम से कम जब हम हिंदी में दोहा लिख रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए प्लीज़। मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप जब हिंदी में दोहा लिख रहे हैं तो हिंदी का शुद्ध शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर ना करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी हिंदी का प्रयोग करें जो किसी को समझ ही ना आए, आप सामान्य हिंदी का प्रयोग कीजिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए, आप उसमें उर्दू के अल्फाज भी ला सकते हैं, हमारे जो आम बोलचाल की भाषा के अल्फाज हैं उन्हें लाइए, लेकिन उसको सुधुकड़ी भाषा का प्रयोग वहाँ तो ना कीजिए कम से कम। वहाँ मुझे दुख थोड़ा सा दुख होता है, ये बात मुझे ध्यान आई थी तो मैं साथ साथ में आपके सामने कर गया। अब मैं थोड़ा सा दीगर छंद की बात करता हूँ, हमारे मुझे बाकी तो ध्यान कहीं नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि और लोग भी कर रहे हों, मेरी जानकारी में ना हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर ऐसा आप लोगों को लगता हो कि ऐसा कोई और भी है तो आप कृपया मुझे बताएं कि और लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ माहिया भी लिखा जा रहा है, माहिया अगर कोई और लोग भी लिख रहे हैं हिमाचल में तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझ तक वो जानकारी यहाँ कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आदरणीय पान सिंह जी आए हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दीपक चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ माहिया लिखा जा रहा है, और ना केवल लिखा जा रहा है, ये खुशी की बात है कि माहिया छंद की पुस्तक भी छपी हुई है, 2-3 साल हो गए हैं। हमारे आदरणीय नासिर साहब नाहन में हैं जो गज़ल गो हैं, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाकी चीज़ें भी लिखते हैं, गज़ल में बहुत उनकी महारत है, जो मोहब्बत पे बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनका तरन्नुम बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आता है उनका तरन्नुम, और मैं मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने बहुत सारी जो बहुत 2-3 गज़लें मैंने उनके तरन्नुम को गाते हुए लिखी हैं। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने कहा था कि मैंने बहरे हजरत मुसम्मन सालिम की जो तक्का जो तरन्नुम पकड़ा है वो कुमार विश्वास की तरफ से पकड़ा था, उनके तरन्नुम से पकड़ा और उसको फिर तख्ती करके देखा और फिर उसको लिखना शुरू किया। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नासिर साहब हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उनका तरन्नुम बहुत सुंदर है, हर चीज़ में, गीत में भी, गीत भी लिखते हैं और उनके गीत आकाशवाणी से भी गाए गए हैं, गज़लें भी गाई गई हैं, बहुत सारे लोग गज़लें उनकी गा रहे हैं, तो उन्होंने माहिया लिखे हैं और आपको खुशी होगी उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन आपको खुशी होगी कि उनकी माहिया की पुस्तक निकली हुई है, और मैं यहाँ पर उनके माहिया में से जो मुझे बहुत पसंद भी आते हैं माहिया में से एक माहिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गज़ल पर बहुत सारी बात हो चुकी है पहले भी, आदरणीय भाई नवनीत शर्मा जी ने बहुत बात की है और भी बहुत सारे लोगों ने लोग बातें कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन मेरा जो विषय था वो सम्यता बताना था, थोड़ा सा ढूंढना था, जो मैंने अनुभव किया है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों का अपना वो है। तो मैं एक माहिया इनका पेश कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया शक्ति राणा जी, अगर आप ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि माहिया लिख रहे हैं प्रताप जरियाल जी भी, तो मुझे खुशी होगी, मैं भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, और मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, हमारी मित्र बहुत पुरानी मित्र हैं कृष्णा ठाकुर जी, हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कुल्लू में कभी मिले थे और फिर मंडी में एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई करीब कोई शायद 15-20 साल के बाद, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप आए हैं, बहुत शुक्रिया, टोपी अच्छी लग रही है, बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं कह रहा था, मैं माहिया की बात कर रहा था और मैं एक माहिया नासिर साहब का एक माहिया उन्हीं के तरन्नुम में जिस तरह से वो पेश करते हैं वैसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आपको बहुत पसंद आएगा मुझे पक्का यकीन है,
देखिए अब और तो क्या देंगे, अब और तो क्या देंगे, मस्त कलंदर हैं हम तुमको दुआ देंगे, अब और तो क्या देंगे, अब और तो क्या देंगे, मस्त कलंदर हैं हम तुमको दुआ देंगे। महिया भी एक हिंदी का छंद है, हालांकि ये उसमें पंजाबी से आया है, पंजाबी में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, और ये त्रिपदिक छंद है, 12-10-12 मात्राओं का वर्णिक छंद है। मैंने थोड़ा सा एक प्रयास किया है कि इसको नासिर साहब की तरह आपके सामने गुनगुना कर, उनकी तरह तो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी तो बात ही कुछ और है, तो ये एक उनका महिया था, और मुझे खुशी हुई अभी जैसे अब और तो क्या देंगे, मस्त कलंदर हैं हम तुमको दुआ देंगे, भाई नवनीत जी ये महिया था, बहुत शुक्रिया जी। इस ये आप इसको हम अगर कह लें तो इसको टप्पा भी कह सकते हैं, और मुझे जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने इसको माहिया टप्पा और लगभग एक ही छंद में पाया है। और हमारे यहाँ जो आजकल आप जानते ही हैं कि जो गंगी भी गाई जाती है, हमारे यहाँ गंगी गाई जा रही है, थोड़ा सा कई बार लगता है कि इसकी जो तान है वो लंबी होने की वजह से वो लंबी हो जाती है, लेकिन इसका भी छंद यही है। हाँ उसमें थोड़ा सा जो वहाँ पर रहता है पंजाब में रहता है टप्पा में और महिया में, उसमें जी उसमें सवाल जवाब होते हैं, और हमारे यहाँ जो ये प्रेम गीत जो गंगी गाई जाती है इसमें भी सवाल जवाब होते हैं, और ये आजकल का ही मौसम होता है जब गंगी को गाया जाता है, तो गंगी के ऊपर भी काम किया जाना बहुत, मैंने लिखा है, आलेख लिखा है, लेकिन अभी भी और भी लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर, इसके छंद, इसके शिल्प के साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ, कोशिश करूँ। तो ये थी महिया की बात, और मुझे जैसे पता लगा तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एक छंद और जो प्रचलन में है काफ़ी ज़्यादा, पूरे भारत में भी है और हिमाचल में भी काफ़ी उसकी तरफ हमारा दीवानापन बढ़ा है, और मैंने भी शुरू शुरू में लिखा है। जी भाई जी, बिलासपुर में बहुत गंगी गाई जाती है, बघाटी में भी बहुत है, सोलन में, और हमारे सिरमौर में आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे सिरमौर में जब से हम छोटे थे तब से हम खूब गंगियाँ गाया करते थे, जब डंगरों के साथ जाते थे, बांसुरी पे भी बजाता था गंगी और उसके सवाल जवाब होते थे, और मेरी कहानी अभी आ रही है उसमें भी एक गंगी का जिक्र है बहुत अच्छे तरह से। और हम जब खास करके मुझे आपने याद दिलाई ही दिया है भाई नवनीत जी, तो मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ कि गंगी जो है वो एक बहुत सुंदर प्रेम गीत है, जिसमें मतलब एक थोड़ा सा हल्का सा व्यंग्य का पुट भी रहता है, हास्य भी रहता है, और एक कई बार छेड़छाड़ भी रहती है, इसीलिए इसको प्रेम गीत भी कहा गया है। तो हम जब कहीं बारात में जाते थे तो उस समय आपको पता ही है पहले बारातें ट्रैक्टर में या यूटिलिटी के ऊपर, पिकअप के ऊपर जाया करती थी, तो उसके ऊपर जब बैठते थे हम तो बैठ करके कंपटीशन होता था, ये कुछ लोग इधर को बैठे होते थे, कुछ लोग इधर को बैठे होते थे, तो वो उधर से गाते थे और उधर से इधर से हम जवाब देते थे, तो उस टाइम बड़ा आनंद आता था। और आज की डेट में इसके ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं चाहूँगा कि आप मेरी सभी हेल्प करें, मेरी सहायता करें, आप जहाँ जहाँ भी ये चीज़ पाते हैं, गंगी को पाते हैं, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सी गंगियाँ, मैं उनका बाकायदा से नाम के साथ उनका जिक्र करूँगा जो मुझे ये उपलब्ध करवाएंगे। मैंने हालांकि एक आलेख लिखा भी है, वो आधा अधूरा था, छपा है पहले भी, लेकिन मैं और इसके ऊपर बहुत गहनता से काम कर रहा हूँ छंद विधान के साथ। तो मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गंगियाँ मेरे पास आ जाएँ, तो मैं उसके ऊपर जो बात है वो अच्छे तरीके से कर पाऊँ। अब मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे हाइकू की, हाइकू कुछ हाइकू मैंने भी लिखे हैं,
और मैं आपको पहले एक हाइकू ही सुना देता हूँ। एक हमारे एक डेथ हुई थी कहीं रिलेटिव्स में, और वहाँ पर जब मैंने देखा, जी भाई जी, बहुत शुक्रिया पान सिंह जी, आप लोगों का स्नेह है। तो मैं एक ब्याह उसमें मतलब मातम में गया हुआ था, और वहाँ पर जब मैंने देखा, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो हरियाणा में जानते हैं या जिनकी रिश्तेदारियां हैं वो तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कार गीत हैं, संस्कार गीतों में विवाह और जन्म संस्कार हमारे यहाँ में गीत गाए जाते हैं, दो में गाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा में मृत्यु संस्कार में भी, मातम में भी गीत गाए जाते हैं, और वो बड़े करुण गीत होते हैं। वहीं पर मुझे मैंने जब वो गीत सुने, और मुझे जो थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ, जो मुझे वहाँ पे जो अंदर से मेरे करुण पुकार जो निकली, वहीं पे एक हुआ था, एक छोटा सा हाइकू, तीन पदों का हाइकू होता है, जिसमें वार्णिक छंद है, जिसमें आपका 5-7-5 का छंद रहता है, वर्ण रहते हैं इसमें, मात्रिक छंद नहीं है ये, वर्ण वर्ण रहते हैं इसमें। तो इसके ऊपर कभी अलग से डिटेल में बात कर सकेंगे, लिखेंगे भी इसके ऊपर। तो मैं वहाँ कहता हूँ कि एक हाइकू हुआ था, और मैं अभी तो निकाल नहीं पाया, थोड़ा सा व्यस्त भी था, आज दिन में भी मैं थोड़ा बिजी रहा, लेकिन मैं मुझे वो हाइकू याद आ रहा है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फूल खिलेंगे तन माटी जब, फूल खिलेंगे तन माटी जब, मैं गंगा भेटूंगा, गंगा भेटूंगा। ये वहां से ये हाइकू हुआ था। तो हाइकू हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, मैंने भी काफ़ी सारे हाइकू लिखे हैं, अनुवाद भी किया है, और हिमाचली में बहुत सारे हाइकू लिखे हैं, अनुवाद किया है मैंने हिमाचली में। एक हमारे मिथिलेश दीक्षित जी हुआ करते हैं लखनऊ में, उनके हाइकू की पुस्तक का अनुवाद किया है, और वो पुस्तक ऑनलाइन भी अवेलेबल है pothy.com पर, वहाँ वो उपलब्ध है, सिरमौरी भाषा में वो हाइकू हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल में, मेरी नज़र में आप लोग जानते होंगे, अगर जानते हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, और मुझे करेक्ट करें। मुझे जहाँ तक मैंने शुरू में पढ़ा है, ओम प्रकाश सारस्वत जी ने के कुछ हाइकू मैंने पढ़े हैं विपाशा में, और रोशन जसवाल जी के भी अभी हाइकू कुछ समय पहले आए हैं, वो भी उसमें हिमप्रस्थ में अभी मैं देख रहा था, उन्होंने भी कुछ हाइकू लिखे हैं, और भी बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी हाइकू लिख रहे हैं। लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा कि जो नए लोग जो हाइकू लिख रहे हैं या दोहा लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, कम से कम छपने के लिए भेजिए, आप छपिए, जब तक आप छपेंगे नहीं तो संज्ञान नहीं लिया जाता, छपना बहुत ज़रूरी है। मैं बात भी कर रहा था युवाओं से, बात करता हूँ, युवा दोस्त जो भी हैं उनसे बात करता हूँ, तो आप लोग जब छपेंगे तो संज्ञान लिया जाएगा उसका, और अच्छा लगेगा, हम सभी पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ पाएंगे तो हम तक वो चीज़ें पहुँचेगी। और मैं दोहे की ही बात कर दूं तो पहाड़ी में भी बहुत सारे लोग दोहा लिख रहे हैं, और मैं आदरणीय भाई नवनीत शर्मा जी का जिक्र करना भूल गया था, उन्होंने भी पहाड़ी में गज़लें तो बहुत अच्छी लिखी रहे हैं, और गज़ल के ऊपर बहुत अच्छी उनकी कमांड भी है, बातचीत उन्होंने की है एकेडमी के ही इस पेज से भी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, साथ ही वो दोहा भी लिख रहे हैं, मैंने उनके दोहे पढ़े हैं, पहाड़ी भाषा में दोहे पढ़े हैं, शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि विनोद भाऊक जी के अखबार में शायद उनके मैंने दोहे पढ़े हैं, लेकिन मैंने पढ़े हैं जरूर, भाई नवनीत शर्मा जी के दोहे भी पढ़े हैं। तो आप लोग सभी इन विधाओं को लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना विषय है कि हम किस तरफ जाते हैं, हम छंद की तरफ जाते हैं या हम बिना छंद की तरफ जाते हैं। एक बात यहाँ मुझे याद आ गई, और मैं वो यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो गज़ल लिखी जा रही है, दोहा लिखा जा रहा है, मुक्तक लिखा जा रहा है, या रुबाई लिखी जा रही है, कतात लिखे जा रहे हैं, जो भी आज की डेट में लिखा जा रहा है उसमें बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, खाली मोहब्बत की बात नहीं है उसमें, वो मोहब्बत से आज की, जैसे आज की गज़ल मोहब्बत से बहुत आगे चली गई है, उसी तरह से वो आज की जो हमारी समस्याएं हैं, आज के हमारे जो इश्यूज हैं, उनको जिस तरह से उठा रही है, उसी तरह से दोहा, मुक्तक, कतात, रुबाई, सभी ये जो दीगर विधाएं हैं, ये सभी भी इन चीज़ों को उठा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो आलोचक हैं,
वो कृपया इन चीज़ों का भी संज्ञान लें। हाँ, इतना जरूर मैं कह देता हूँ कि जब आप इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे, जो आलोचक हैं जब वो इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और इन चीज़ों को समकालीन कविता में जोड़ेंगे, मेरा आग्रह है कि आपको जोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन, और आप जोड़िए। लेकिन जब आप जोड़ेंगे तो आपको कम से कम इस विधा को पहले साधना तो पड़ेगा, छंद को साधना तो पड़ेगा। गज़ल है तो गज़ल के मीटर को जानना पड़ेगा, तभी आप उसको समकालीन में जोड़ पाएंगे और उसके ऊपर बात कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो आने वाला समय है, उस समय में जो जिस तरह से आज हर व्यक्ति गज़ल में और दोहा वगैरह में दखल रख रहा है, उसी तरह से जब वो आने वाले समय में आलोचक के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वो बड़े आराम से इसके ऊपर बात कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है, उसे उस छंद का पता है, अच्छी तरह से वो जानता है, इस टाइम सीख रहा है वो, तो वो जान सकेगा, जान पाएगा तब तक बड़े आराम से। तो इसी तरह से मेरा आग्रह है, जो हमारे वरिष्ठ आलोचक हैं जो इस बात को उठा सकते हैं, तो आप कृपया वहाँ पर भाव देखें और समकालीन जो हमारा परिदृश्य है उसको देखें कि अगर वो उठाया जा रहा है तो कम से कम आप उसको शामिल करें। कुछ लोगों ने साफ इनकार किया, मैं इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, बहुत सारे मेरे मित्र थे, उन्होंने साफ इनकार किया कि दोहे और गज़ल को हम किस तरह से समकालीन में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। मैंने आपके सामने जितने दोहे अभी पढ़े हैं या देश में जितने दोहे लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखे जा रहे हैं, उसमें समकालीन बातें हैं, तो आप क्यों नहीं रख सकते इसको समकालीन कविता में। आप रखिए, आपका ये दायित्व है, आपको ये रखना पड़ेगा, मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से इसके अलावा वैसे हिंदी के बहुत सारे छंद हैं, आप सभी जानते हैं बहुत सारे छंद। जी भाई बीरेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा कि अगर लास्ट में समय मिला, मुझे अभी टाइम का भी इसमें पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह से इसमें समय देखते हैं, तो आप कृपया टाइम भी बता दें कि टाइम क्या हुआ है, ताकि मैं अपना जो जी बहुत शुक्रिया पान सिंह भाई, कृपया कोई मुझे समय भी बता दें, क्योंकि मैं अगर इसको शायद इधर उधर करूँगा तो कहीं ये वो ना हो जाए, जहाँ मैं लाइव हूँ वहाँ से डिस्टर्ब ना हो जाए, कृपया आप मुझे। रोशन जसवाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातचीत हो गई है, और छंद जितने जो थे, जो आज के प्रचलन में छंद हैं, वैसे छंद बहुत सारे हैं, बहुत सारे छंद हैं, और बहुत सारे छंद उर्दू के जो हमारी बहरे हैं उनसे मिलते जुलते हैं, बहुत सारे छंद बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हैं, साम्यता है उनमें, और उसमें लिखा जा सकता है, अलग से भी लिखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसको समेटता हूँ। बाकी छंदों में, क्योंकि आप सभी से मैं बात कर चुका हूँ पहले भी, कि बाकी जो छंद हैं हमारे वो इतने प्रचलन में नहीं हैं, इसलिए हम उन पर यहाँ विशेष बातचीत भी नहीं करेंगे। मैं अब थोड़ा सा अपनी रचनाएं कुछ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ लूँ। जी बहुत शुक्रिया सतपाल जी, बहुत प्रणाम आपको। मैं एक ताज़ा गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी अभी हुई है थोड़े समय पहले ही, और ये इसमें समकालीनता भी है। देखिए कि ख्वाब में देखा चीनी हिटलर कातिल आकर बैठ गया, ख्वाब में देखा चीनी हिटलर कातिल आकर बैठ गया, अपने अंदर देखा तो खुद चर्चिल आकर बैठ गया। ख्वाब में देखा चीनी हिटलर कातिल आकर बैठ गया, अपने अंदर देखा तो खुद चर्चिल आकर बैठ गया। अब आपको हिटलर और चर्चिल का यहाँ थोड़ा सा ये कठिन शेर है, क्योंकि ये जो हमारी समकालीन परिदृश्य था वहीं से ये निकला था ये शेर। आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका संबंध क्या था। आप सभी, बहुत सारे लोग इसमें जो वरिष्ठ लोग हैं वो जानते भी होंगे। खिड़की दरवाजों पर पर्दे, घर की इज्जत घर में। दो शेर देखें कि खिड़की दरवाजों पर पर्दे, घर की इज्जत घर में है, और सभी के हाथों पर मोबाइल आकर बैठ गया। खिड़की दरवाजों पर पर्दे, घर की इज्जत घर में है। हम कहते हैं कि खिड़की दरवाजों पर पर्दे लगा दिए, अब आप समझ रहे होंगे, मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। खिड़की दरवाजों पर पर्दे, घर की इज्जत घर में है, और सभी के हाथों पर मोबाइल आकर बैठ गया। और शेर देखें
कि एक पंजाबी जूती हाट पे कलगी धारे बैठी थी। एक पंजाबी जूती हाट पे कलगी धारे बैठी थी, जेब टटोली रोया धोया दिल बिल आकर बैठ गया। जेब टटोली रोया धोया दिल बिल आकर बैठ गया। बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी, नमस्कार। और अगला शेर देखें कि पेट की ज्वाला घर का भाड़ा दरवाजे पर कोरोना। समकालीन शेर देखें कि पेट की ज्वाला घर का भाड़ा दरवाजे पर कोरोना, डंडे चाकू और छुरी ले कातिल आकर बैठ गया। डंडे चाकू और छुरी ले कातिल आकर बैठ गया। और हमने दरिया से मांगा कुछ पानी मोल चुका देंगे। हमने दरिया से मांगा कुछ पानी मोल चुका देंगे। अपने सूखे होठों को ले साहिल आकर बैठ गया। और मेरा उसका झगड़ा और दलीलें उसके हक में सब। मेरा उसका झगड़ा और दलीलें उसके हक में सब। मैंने बोतल खोली ही थी, आदिल आकर बैठ गया। आदिल होता है प्रिय। मैंने बोतल खोली ही थी, आदिल आकर बैठ गया। और मेरा जो प्रिय था वही आकर बैठ गया। और इसके साथ ही मैं एक गज़ल के कुछ शेर आपके सामने पेश करूंगा। और थोड़ा सा जो बरसात है उसके ऊपर मुझे लगता है कि दोहे मुझे सुना देने चाहिए बरसात के ऊपर। थोड़े से समकालीन दोहे आप अगर सुन लें तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। समकालीन दोहे देखिए कि सच्चाई कड़वी लगे कहता ये ना चीज, बच्चों को चुभने लगे रिश्तों के ताबीज, बच्चों को चुभने लगे रिश्तों के ताबीज। आदरणीय गंगाराम सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और अभी नवीन जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भाई। और एक दो दोहा मैं आपके सामने और पेश करूंगा और उसके बाद पूरी इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले अगर मुझे एक गज़ल, मैं यहाँ तो नहीं ला पाया लेकिन अगर मुझे याद आ जाती है तो उसका एक शेर गज़ल का था जो समकालीन है, वहीं से मैं जो आज की जो बरसात का जो मौसम है वहीं से एक दो दोहा आपके सामने रखता हूँ। समाप्त फरमाएं कि झिरमिर झिरमिर झरझरे झरझर रोए व्योम, सावन ससुरा सांवरा बहका पी कर सोम, सावन ससुरा सांवरा बहका पी कर सोम। और सावन आया घूमने आई मस्त बहार, अमलतास ने टांग दी स्वर्णिम बंधनवार, अमलतास ने टांग दी स्वर्णिम बंधनवार। और इसके साथ ही मुझे एक शेर याद आ रहा है आजकल के मौसम पे कि यूं तो हर सू सावनी बरसात होनी चाहिए, यूं तो हर सू सावनी बरसात होनी चाहिए भीगने की पर तेरी औकात होनी चाहिए, भीगने की पर तेरी औकात होनी चाहिए। और शेर देखें जिसके लिए ये मतला कहा है उसका शेर देखें
ये चार बूंदें क्या पड़ी तू भर भर आकर गिर पड़ा, चार बूंदें क्या पड़ी ओ चार बूंदें क्या पड़ी तू भर भर आकर गिर पड़ा, है अगर पर्वत तो फिर वो बात होनी चाहिए, है अगर पर्वत तो फिर वो बात होनी चाहिए, है अगर पर्वत तो फिर वो बात होनी चाहिए। मुझे अभी तक इतना ही याद आ रहा था और इसके साथ ही मैं अंत में एक छंद की थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ लास्ट में, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। हमारे हिमाचल में गीत भी बहुत आयत में लिखा जा रहा है, बेशक हिंदी में इतना नहीं है लेकिन पहाड़ी में बहुत अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हमारे जो लोग हैं वहाँ लोग गीत लिखे जा रहे हैं बहुत सुंदर। हमारे उधर भी आपके कहते हैं हमारे जो ऊपर का हिमाचल है वहाँ पे भी बहुत सारे गीत लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे भाई दिलीप विशिष्ट जी हैं वो बहुत सारे गीत लिख रहे हैं, लोकगीत लिख रहे हैं और बड़े मकबूल हो रहे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं और वो लोक में जा रहे हैं, लोक नाटियों में बैठ कर के। मैं कल ही देख रहा था भाई दिलीप विशिष्ट जी का एक गीत, नाटी में बैठ कर के लोकगीत को उस गीत को गा रहे थे, छेड़ू रावे खेलो चीते ब्याओ नारिणा, हाँ बहुत आनंद आ गया, मैं अंदर से भीग गया। असल में जो लोकगीत की ताकत है वो लोक के अंदर है, लोकगीत क्या मैं कहता हूँ साहित्य की हर विधा जब तक वो लोक के कांधे पर चढ़ करके लोक के मुंह पे जुबान पे चढ़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र नहीं करती है तब तक वो विधा मुझे नहीं लगता कि मकबूल हो पाएगी। आम जन तक वो चीज़ अगर पहुँच जाती है तो वो जो आपकी रचना है वो हो गई, हो गया, जैसे कहते हैं कि हो गया मुशायरा, जब कोई बड़ा शायर आता है या कोई बड़ी बात कह देता है तो जैसे कहा जाता है, तो मुझे ऐसा ही याद आता है कि हो गया, अगर वो रचना हमारी समाज में चली गई, समाज के जुबान पर है वो, एक एक व्यक्ति की जुबान पर अगर वो रचना है तो इससे बाकी हमें क्या चाहिए, यही तो हम चाहते हैं। तो हर मैं चाहता हूँ कि हर जो हमारी विधा है वो ऐसी ही हो। और अंत में एक भाई ने मुझे आग्रह किया था, मैं दो तीन पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। आटा गिरना मेरा एक गीत था, वो अभी आएगा आपके सामने जल्दी ही रिकॉर्ड हो करके। वो गीत किस तरह से है कि आटा गिंडना हो मेरी नीलुए कौशोरा मीना मारे आटा गिंडना, आटा गिंडना हो मेरी नीलुए कौशोरा मीना मारे आटा गिंडना, होला गिरे बरखा बे आया सियाला उदा ने उड़ोदा पड़ेरा पड़ा, लगे रे बरखा बे आया सियाला उदा ने उड़ोदा पड़ेरा पड़ा, हो आटे घिंडे दा देना खराला, आटे घिंडे दा देना खराला, सुले टाली ने टाला आए मारे आटा गिंडना, हो आटा गिंडना हो मेरी मिलुए कौशोरा मीना मारे आटा गिंडना। और अभी एक मेरा सिरबोरी गीत, हालांकि उसमें आलोचना है, जो हमारे आजकल के जो बच्चे शहर में जाते हैं और वहाँ जाकर के बिगड़ जाते हैं उनके ऊपर एक गीत है जो अभी रिलीज़ हुआ, उसकी बहुत अच्छा फिल्मांकन हुआ है, और भाई दिनेश शर्मा जी बहुत प्रसिद्ध लोक गायक हैं सिरमौर के, उन्होंने गाया है, लेक्चरर हैं वो, उन्होंने गाया है और वो बहुत अच्छा फिल्मांकन भी हुआ है और बहुत सुंदर उसकी जो कलाकारी उसमें दिखाई गई है और उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर है। उसकी एक लाइन आपको मैं सुना देता हूँ कि नोयनी कले जो भेजे पड़ दे तू नाचे बियर भरो दे, हो तू नाचे बियर भरो सिमिए तू नाचे बियर भरो दे, हो टाइट जिनो तप बामियो घूम दे महंगी करो दे, हो घूम दे महंगी करो सिमिए घूम दे महंगी करो दे। तो मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ आप सभी का, फिर से आप सभी मेरे साथ बने रहे और आप लोगों ने बड़े प्रेम से मुझे
देखा सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कभी फिर समय लगेगा तो आपसे फिर रूबरू होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो कुछ जान पाया हूँ उसको मैं आपसे बस महज शेयर कर रहा था। मैं किसी को वो नहीं करता कि आप लोग इस चीज़ को माने, लेकिन मैं आपके सामने जो भी शेयर कर पाया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कला संस्कृति भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश शिमला का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का ये अवसर दिया। मैं आभारी हूँ डॉक्टर करम सिंह जी का और आदरणीय भाई हितेंद्र शर्मा जी, जो इसके तकनीकी सहयोग में मेरे साथ बने रहे, बार बार संपर्क करते रहे, और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, समय काफ़ी ले लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी, नवीन शर्मा जी, भाई वीरेंद्र जी, और जिन जिन को मैं देख पा रहा हूँ, आदरणीय गंगाराम राजी सर, और हमारे राकेश सर कोरला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार आपको। अवनीश कटोच जी, स्नेहलता भारद्वाज जी, अशोक कालिया जी, भाई पान सिंह जी, नवीन जी, संगीता कौंडल जी, बहुत शुक्रिया। रमेश मस्ताना सर, आप शुरू से लेकर के बने रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और भाई प्रताप जरियाल जी, नवीन शर्मा जी, जो जो भी मेरे साथ अब तक इस सफ़र में रहे, भाई वीरेंद्र वीर जी, मैं बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत। अशोक कालिया जी, जितने लोग भी मेरे साथ, रोशन जसवाल सर, सतपाल जी, ए.के. अग्रवाल जी, भाई वीरेंद्र सिंह जी, आपकी फरमाइश शायद पूरी हो गई हो, और उत्तम सूर्यवंशी जी, स्नेहलता मैडम, कुलदीप भाई, कुलदीप गर्ग, तरुण जी भाई, और सुनैना शर्मा जी, अमीश कटोच जी, और जिन जो जो भी, संजय मिश्रा जी, भाई नवनीत शर्मा जी, जो जो लोग भी, मैं सभी को हृदय से नमस्कार करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना समय दिया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत नमस्कार।